सबको चाहिए हिंदू राष्ट्र, लेकिन एक सच्चे सनातनी को वोट करने में कांप गए सबके हाथ, जो राम को लेकर आए अयोध्या में, उनके साथ ही पब्लिक ने क्यों कर दी दगाबाजी। भारत की सबसे सेफ सीट पर ही किसने कर दी दगाबाजी, हार की असली वजह आई सामने। अचानक मोदी को भी लगा शॉक, योगी ने फौरन बुला ली मीटिंग। वैसे तो दिन भर चिल्लाते रहेंगे मोदी योगी मिलकर हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, लेकिन जब बारी वोट देने की आई तो वोटिंग वाले दिन को अयोध्या की पब्लिक ने छुट्टी का दिन मानकर घर में ही सो गई। अयोध्या में बीजेपी की हार हो गई। हाँ, वही अयोध्या जहाँ से ठीक 5.5 महीने पहले भव्य राम मंदिर बनकर तैयार हुआ, जिसके लिए बीजेपी के कई नेताओं ने संघर्ष किया, गोलियां खाई, लाठियां खाई, जेल गए। जिस अयोध्या के लिए बीजेपी ने लंबी लड़ाई लड़ी, वही अयोध्या की जनता ने वोट से कह डाला कि राम मंदिर तो कोई मुद्दा ही नहीं है, जगहसाई करवा डाली। अब कैसे कोई हिंदुओं पर भरोसा करेगा। जिन कल्याण सिंह ने राम मंदिर के लिए पहले अपनी सरकार कुर्बान कर दी, इन्हीं लोगों ने पहले उनको भी हरा दिया, और अब जिन मोदी सरकार ने राम मंदिर बनवा दिया, इन लोगों ने उनका भी साथ नहीं दिया। अयोध्या में बीजेपी की हार से योगी आदित्यनाथ इतने गुस्से में आ गए कि फौरन अपने सीनियर नेताओं की मीटिंग बुला ली। योगी भी अयोध्या के इस चौंकाने वाले परिणाम की कल्पना नहीं कर पाए थे, और न ही मोदी। अयोध्या में हार की 4 मुख्य वजह रही। सबसे पहली वजह लल्लू सिंह रहे। अयोध्या में पिछले 1 साल से लोग कह रहे थे कि लल्लू सिंह बहुत ढीले ढाले प्रत्याशी हैं, लेकिन बीजेपी ने लोगों की बात को किनारे लगा दिया। बीजेपी ने सांसद लल्लू सिंह पर भरोसा जताते हुए तीसरी बार चुनावी मैदान में उतारा। नया चेहरा ना उतारना ही बीजेपी को यहाँ भारी पड़ गया। खुद योगी आदित्यनाथ अयोध्या में किसी नए चेहरे को उतारने की फेवर में थे। 8 महीने पहले ही उन्होंने आला कमान को रिपोर्ट भेज दी थी, यानी जब राम मंदिर तैयार भी नहीं हुआ था तभी। लल्लू सिंह के खिलाफ स्थानीय लोगों में नाराजगी थी और पार्टी इसका अंदाजा नहीं लगा पाई। नतीजतन बीजेपी को प्रतिष्ठित सीट गंवानी पड़ी। लल्लू सिंह ने चुनाव प्रचार के दौरान संविधान बदलने का बयान भी दिया। बयान पर काफी हो हल्ला मचा। अयोध्या में हार की दूसरी वजह रही कि बीजेपी ने अयोध्या धाम के विकास पर सबसे ज्यादा फोकस किया। सोशल मीडिया से लेकर चुनाव प्रचार में अयोध्या धाम में हुए विकास कार्यों को बताया गया, लेकिन बीजेपी ने अयोध्या के ग्रामीण इलाकों पर बहुत ज्यादा ध्यान ही नहीं दिया। अयोध्या धाम से अलग हुए ग्रामीण क्षेत्र की तस्वीर बिल्कुल अलग रही। ग्रामीणों ने इसी आक्रोश के चलते बीजेपी के खिलाफ मतदान किया। तीसरा मुद्दा तो ज्वलंत बन गया, क्योंकि रामपथ के निर्माण के समय घर तोड़े गए पर मुआवजा नहीं मिला। अयोध्या में रामपथ के निर्माण के लिए जमीन का अधिग्रहण किया गया, कई लोगों के घर और दुकान तोड़े गए। निराशाजनक पहलू ये रही कि कई लोगों को मुआवजा भी नहीं मिला। इसकी नाराजगी चुनाव परिणाम में साफ नजर आ रही है, और अयोध्या के ग्रामीण इलाकों में छुट्टा पशु बहुत बड़ी समस्या बन चुके थे, जहां कई हादसे हो चुके थे। ये भी एक चुनावी मुद्दा बन गया। लल्लू सिंह के खिलाफ क्षेत्र में एंटी इनकम्बेंसी थी, लोगों की नाराजगी उनके क्षेत्र में मौजूदगी को लेकर थी। उम्मीदवार से लोगों की नाराजगी उन्हें ले डूबी। उम्मीदवार के प्रति ये गुस्सा लोगों के भीतर बदलाव के रूप में उभरने लगा। लल्लू सिंह लगातार 10 सालों से सांसद थे, उनको बदले जाने का दबाव स्थानीय स्तर के नेताओं की तरफ से भी बनाया जा रहा था। इसके बाद भी भाजपा ने इस पर ध्यान नहीं दिया। खैर, हिंदुओं ने आखिरकार अपना रंग दिखा ही दिया, पहले कल्याण सिंह के साथ और अब मोदी के साथ। हिंदुओं की ज्यादा सेकुलर बनने की बीमारी ने यूपी में भी बीजेपी का साथ देने नहीं दिया। जब कन्हैया लाल कांड होता है तो ये वही लोग हैं जो दूर से तमाशा देखते और विलाप करते हैं। ऐसे में आप इन लोगों को क्या कहेंगे, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।